Efraim, tutup yeri Terov. Bak çıkın Nero. अजीब बात है, लोग साइंस के जमाने में भी भूत प्रेत को मानते हैं। सर, लेकिन जो वाक्यात मेरी आंखों के सामने हुए हैं उन पर तो यकीन लाना ही पड़ेगा। सब इंस्पेक्टर प्रेम और उससे अपोष की मौत और फिर दोनों की लाशों का गायब हो जाना, ये किसी जिन भूत का ही कारनामा है। इंस्पेक्टर रंजीत, चोरी चकारी भूत प्रेत नहीं किया करते। इस हवेली में जो कुछ हो रहा है वो एक राज जरूर है, लेकिन इस राज के पीछे किसी बदमाश आदमी का हाथ है, और जब तक वो चालाक आदमी पकड़ा नहीं जाता उस वक्त तक पुलिस को आराम से नहीं बैठना चाहिए। यस सर। बलवंत मामा प्यारे, मुझे भगवान समझ रखा है क्या, जिसे शंख फूंक कर या घंटे बजाकर बुलाना पड़ता है? अरे मैं तो इंसान हूँ, कहिए क्या कष्ट है आपको? तुमसे बड़ा और कष्ट क्या होगा मेरे लिए, बस सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गए। मामा प्यारे, सुबह को शुरू तो वो कमजर्फ करता है जो रात को पीना बंद करे। चखोगे? कभी काम की बात भी सुन लिया करो। कब से कह रहा हूँ कि जंगल वाली हवेली में जाकर सेठ की देखभाल करो, लेकिन तुम पोता से बाहर निकलो तब ना। मामा प्यारे, अंदर बाहर का फर्क भी भूल गए? तुम्हारी मेहरबानी से हम घर में होते हुए भी घर से बाहर हैं। अच्छा अच्छा समझा, मैं हवेली जा रहा हूँ, तुम जरा घर की देखभाल रखना। कुमार आ रहा है, उसे भी भेज देना। अरे मादन,
मदन, बोतल खत्म होगी क्या? अरे हो जाएगी। सुनो मामा प्यारे, आज जंगल वाली हवेली जा रहे हैं, मौका अच्छा है, आज ही हो जाए। बेटा किस जुबान से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, आज तुम ना आते तो मेरी जान ही चली गई थी। बेटा तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जी नहीं। मामूली सी चोट आई है, लेकिन आपको इस सुनसान जंगल में अकेले आने की क्या जरूरत थी? बेटा ये रास्ता मेरे लिए कोई नया नहीं है, हजारों बार इस रास्ते से आया गया हूँ। पास ही मेरे चाय के बाग और मेरी हवेली है। पिछले 2 साल से शहर में काम ज्यादा था इसलिए नहीं आया, और अब की आया तो ये हो गया। तो चली जाए जी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊंगा। चाचा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपके दोस्त रामेश्वर दयाल का लड़का हूँ। रामेश्वर दयाल, तुम्हारा नाम राजन तो नहीं? जी। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो जीते रहो। तुम्हें कई सालों के बाद देखा है, पहले जब तुम्हें देखा था तो तुम इतने से थे, इधर कैसे आना हुआ तुम्हारा? चाचा जी इस तरफ मेरी भी खेती बाड़ी है, बहुत दिनों से सोच रहा था कि जाके देखूं, छुट्टियां मिल गई तो इधर आ निकला। भाई अगर तुम्हारी खेती बाड़ी मेरी हवेली के पास ही है तो क्यों ना तुम मेरे पास ही ठहरो। मुझे कोई एतराज नहीं चाचा जी, आपकी हवेली या मेरा घर मेरे लिए दोनों एक ही है। तो आओ फिर, चलो चली जाते। आओ बेटा। माली, माली, भूत क्या हो गया है तुझे? ये बड़ी बड़ी आंखों से क्या देखता है? ये क्या बदतमीजी है? माफ करना मालिक, मैं आपको भूत समझ रहा था। अच्छा तो अब ये जमाना आ गया है कि नौकर मालिक को भूत समझता है? नहीं नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या मालूम पिछले 2 वर्षों से हवेली में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मालिक? इस हवेली में किसी भटकी हुई आत्मा का काला साया रहता है, और वो रातों को आकर मेरा नाम इसी तरह पुकारता है जैसे आप पुकारते हैं। मालूम होता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या पागलों की सी बातें करता है। नहीं मालिक, नहीं नहीं नहीं, मैं समझा आज रात के बदले दिन ही में मुझे भूत पुकाने लगा। अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाओ। मालिक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं। मालिक आप इस हवेली में मत ठहरिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप यहां से लौट जाइए, लौट जाइए। क्या भूत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हां सरकार, अपनी आंखों से देखा है। कैसा है वो? सरकार उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा, वो तो एक काला साया है,
रात के 12 बजे आता है और पूरी हवेली में घूमता रहता है। बकवास बंद करो, सामान अंदर पहुंचाओ। आओ बेटा। ये क्या, मेरी हवेली का अस्तबल बना दिया है? मैं 2 साल से नहीं आया तो कमबख्त नौकरों ने ये हालत कर दी है। चाचा जी, लगता है आपके नौकर चाकर बहुत लापरवाह हैं। कितनी खूबसूरत हवेली और किस तरह उजाड़ रखी। तुम देखते जाओ, मैं एक एक को ठीक करके रखता हूं। जामू, जामू, गंगा, कहां मैं कैसा माली? आया सरकार। सरकार के बच्चे, ये हवेली है या चिड़ियाघर? कहां गए सब नौकर? जी वो भाग गए सरकार। भाग गए? कहां भाग गए, क्यों भाग गए? जी वो भूत के डर से। शट अप, भूत का बच्चा। जगदीश। आया सरकार। ये सब क्या तमाशा है? पुजारी भगवान की पूजा करने आता है या नहीं? जी वो भी नहीं आता भूत के डर से, बाहर से आरती करके चला जाता है। जाओ फौरन पुजारी को लाओ और भगवान की पूजा की तैयारी करवाओ और नौकरों को बुलवाओ कि हवेली की सफाई करें। मेरा मुखिया देखते हो, जाते क्यों नहीं? बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। भगवान, जहां आपका वास हो वहां भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण। मैनेजर साहब, ये अकाउंट्स तो पूरे नहीं है। सेठ जी, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच बात है कि अकाउंट की सारी बुक यहाँ से गायब हो चुकी है। ये सब भूति के कारनामे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 साल का पूरा हिसाब गायब। महाराज, पूजा समाप्त हो चुकी है, ये लीजिए प्रसाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। पुजारी जी, इसके माने भगवान की पूजा साल में बस एक ही बार होती है। महाराज, पूजा पाठ करना यह तो हमारा निस दिन का धर्म है, लेकिन यहाँ यहाँ पूजा करने का अर्थ है पंडितायन विधवा हो जाएगी। देखा मेरे अभी अभी कुछ क्या है ऊपर किया है, हमें साथ देखे।
जगदीश, लाइट कैसे गायब हो गई? ये क्या लाइट आ गई? चाचा जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुर्सी खाली, भूत गायब हो गया। राजन बेटा, मैंने अभी अभी इस कुर्सी पर भूत को आराम से बैठे हुए सिगरेट पीते हुए देखा है। इस कुर्सी पर जाएगा? हाँ, मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसी कुर्सी पर। चाचा जी, इस दुनिया में इंसानों को आराम मैसर नहीं होता, भूतों को कहां से होगा? आपको वहम हो गया चाचा जी। नहीं नहीं राजन, मुझे वहम नहीं है, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। अब हमें यहाँ चल देना चाहिए। चलो बेटा, चलो यहाँ से। चलिए, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं चाचा जी, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मैं कुछ दिन और यहाँ रुकूंगा। तुम समझ लो बेटा, अगर तुम कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं रामेश्वर दयाल को क्या मुंह दिखाऊंगा? इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी चाचा जी, मैं अपनी खुशी से यहाँ रुक रहा हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। जगदीश, मेरा सामान फौरन बांध दो, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है। जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है। जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, सस्ता शिकार है मेरी जवानी। हाँ हाँ, सस्ता शिकार है मेरी जवानी। जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है। जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। होठों से जामिए ना लगाना,
होंठों से जाम ये ना लगाना, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। कितनों का शहर हूँ अरे दीवाने, कितनों का शहर हूँ अरे दीवाने, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल दौड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है, तो जनाब अच्छे अच्छों का दिल तोड़ता है, जब हुस्न का जादू सर पे चढ़ के बोलता है। बलवंत, ये घर है या नौटंकी? दारू पीकर बंदरों की तरह नाच रहे हो। मामा प्यारे, दारू और स्कॉच में उतना ही फर्क है जितना के बॉम्बे और लुधियाना है। ये स्कॉच है, स्कॉच स्कॉटलैंड की पर चखोगे मामा जी? बलवंत, मुझसे बदतमीजी। बदतमीजी? मैंने मामा तो नहीं कहा, मामा जी कहा है। बड़ा राय बहादुर का खिताब दे दिया है। करेक्ट। लाजवंतियों, आप इस इंद्र के अखाड़े में क्या कर रही हैं? माँ बाप ने इसलिए जन्म दिया है कि बेहाई की जिंदगी बसर करो, और आपका जन्म घर के लिए होता है, बाजार के लिए नहीं। मामा प्यारे, ये बाजार तो नहीं है, अपने घर का ड्राइंग रूम है। बैठो मत। नहीं बैठते। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? और खड़ी खड़ी क्या देखें? चुप रहो। बिल्कुल चुप। चलो रास्ता लो अपना, चलो। अरे निकल जाओ यहाँ से। मामा प्यारे, एक कम आधी दर्जन हसीनों की इंसल्ट। छे 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 छे। ज्यादा बात की तो तुझे भी यहाँ से दाल पे आयन कर दूंगा। मामा, तुम कौन होते हो मुझे इस घर से निकालने वाले? ये मेरा घर, मेरी माँ ने मरते वक्त सिर्फ मेरे बालग होने तक इस जायदाद का रखवाला आपको बनाया था। जब बालिग बन जाओगे तब बात करना। कमाल है, बच्चे का बाप और बच्चा। एक बच्चे के बाप जरूर हो, लेकिन अकल अपने बच्चे भी कम पाई है। इसी बहाने मेरी जायदाद हड़प करना चाहते हो मामा प्यारे? लेकिन याद रहे, मेरा माल हजम करने के लिए पत्थर का मेदा चाहिए। वाह रे दुनिया वाह, एक तो पराया बोझ उठाऊं और ऊपर से तगाबाज कहलाऊं। आधी जायदाद तो शराब में डुबो चुका है। तो क्या खारी बौड़ी में डुबोआता? मामा प्यारे, शराफत से मुझे मेरा हक दे दो, नहीं तो किसी दिन मुझे भी शराफत छोड़ देनी पड़ेगी। पहले शराफत सीख तो लो, छोड़ना बात को। न जाने मेरी बहन कहां से शराबी औलाद मेरे पल्ले बांध गई है। तुम्हारे पल्ले तो कुत्ते के पिल्ले बांध देना चाहिए, जो बड़े होकर कम से कम तुम्हें वफादारी तो सिखाते। बको मत। नहीं बकते। लो चल दिया रंग में भंग डाल के। ढोंगी कहीं के। सारी सजी सजाई महफिल में झाड़ू फेर गए। पाए लागू पिताजी, पाए लागू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई? चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ पिताजी, आपने गौतम को नहीं पहचाना? ओ समझ गया समझ गया, ये तो बलवंत का बचपन का दोस्त है ना। चाचा जी, जी जब मैं पहले ही आया था ना, तो मेरी मुझे बिल्कुल समाचक थी, लेकिन अब जरा जवान हो गया हूँ, थोड़ी सी मुझे खड़ी कर ली है। पिताजी आप तो पुरानी हवेली में गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए?
अरे बेटा, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आया। अब तो उस हवेली में कोई भूत रहता है। है? भूत? तो क्या हमारी हवेली पे भूत का कब्जा हो गया है? फिर तो आज ही हम वहाँ जाएंगे। है? अरे भूतों की कहानियां तो बहुत सुनी है पिताजी, मगर आज तक कभी देखा नहीं। गौतम, चलो तुम्हें भूत दिखा लाए। बाप रे, अरे यार तेरी मेरी यारी ठीक है, मगर ये भूतिया यारी मुझे पसंद नहीं भाई। क्यों, भूत का नाम सुनते ही निकल गया दम? कुमार बेटे, जल्दबाजी से काम नहीं लेते। मैंने तो राजन को भी समझाया था। राजन? तो राजन वही है? हाँ पिताजी, फिर तो हम जरूर जाएंगे। बड़े मजे का दोस्त है। क्यों, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने? तीन नहीं यार, तीन काने होते हैं। मगर चौथा कहाँ से लाएंगे? अपने बलवंत यार को ले चलेंगे ना। मदन, दो चार सोड़े ला। लो, वो सोड़े वाला आ गया। तो बातें करो, मैं जाता हूँ। चलो, बड़ाऊ जमदूत तो गया, अब रह गया छुटका, तो इससे तो निपटना बिल्कुल आसान है। अरे मदन, आप तो दो चार दर्जन सोडे लाओ। आ गई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। अरे बलवंत भैया, पियो पियो, मगर पियो थोड़ी थोड़ी। थोड़ी तो पिए, सुबह से दूसरी बोतल है। अरे गौतम, ये तुम आज इधर कहाँ का रास्ता भूल गए? मैं तो ये बलवंत भैया, आ तो मैं अकेला ही रहा था, लेकिन सोचा कि गौतम की और तुम्हारी गहरी छंती है, इसलिए इसे भी साथ ले आया। हाँ, ये तो बात ही अच्छा किया तुमने। गौतम से हमारा सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता नहीं है, और भी बहुत से रिश्ते हैं। अरे यार गौतम, क्या हाल है उसका? जन्नत के मजे लूट रही है यार, उससे मिलने को दिल बहुत तड़पता है। कहाँ है वो? जहाँ कहीं भी है, तुम्हारे ख्यालों में तो है। कतालो यार, लेकिन इतना याद रखना कि हम भी एक ही घाट का पानी पीने वाले नहीं। इस घाट ना मिला तो उस घाट सही। शेर अगर एक ही शिकार के भरोसे रह जाए तो उसे घात खानी पड़े। बलवंत भैया, क्या पहले बुझा रहे हो? चलो हमारे साथ। चलो चलो, अरे मदन, लेकिन जाना कहाँ है? हम लोग जंगल वाली हवेली जा रहे हैं, तुम्हारा साथ होगा तो जरा लुत्फ रहेगा। अरे कुमार, कहने को तो तुम मेरे मामा प्यारे के बेटे हो, लेकिन अभी तक मेरे मिजाज को नहीं समझे। अरे हमारी रातें सुनसान हवेली में नहीं गुजरती, हम तो परिस्तान के गायक हैं। और हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। अरे तुम चल रहे हो, इसीलिए तो मैं भी जाने को तैयार हुआ हूँ, वरना कहाँ मैं, कहाँ वो भूत और कहाँ वो हवेली। अरे बलवंत भैया, कभी तो दोस्ती का हक निभा दो ना। और हाँ, रहा परिस्तान का सवाल, तो वहां तो परियां ही परियां आ जाएंगी। प्रॉमिस। बलवंत भैया, अब हर धर्म में छोड़ो। हाँ चलो, अगर तुम लोग कहते हो तो आज से हाथ छोड़ देते हैं, वरना धर्म तो हम ना जाने कब से छोड़ रखा है। अरे मदन, अब मोटर को विस्की की बोतलों से भर दो और सोडा ट्रक में भिजवा देना। अरे दिल दीवाने, तूने ये सोचा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा। दिल दीवाने, तूने ये सोचा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा। दिल दीवाने, धड़कनों के
साज पर तू झूम के गाने लगा, इस उलझन को तूने सुलझाया भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा, कौन है तेरा दिल दीवाने, तूने ये सोचा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा, कौन है तेरा दिल दीवाने। मन दर्पण में तूने कभी देखा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा, कौन है तेरा दिल दीवाने, तूने ये सोचा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा, कौन है तेरा दिल दीवाने। सीख ली तूने कहाँ से ये तड़पने की अदा, बेकले दिन रात की ये कौन तुझको दे गया, खुद अपने से तूने ये पूछा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा, कौन है तेरा दिल दीवाने, तूने ये सोचा भी है कि कौन है तेरा, कौन है तेरा, कौन है तेरा दिल दीवाने। मेरे कपड़े हेलो कुमार, कैसे हो तुम? ओके फाइन। अरे बलवंत भैया, पहचान रहे हैं राजन को? शायद भूल गए। अरे बचपन के दोस्त को कौन भूल सकता है। हाँ? लेकिन बात ऐसी है कि मर्दाना सूरत को पहचानने में जरा देर लगती है। देखो भैया, तुम्हारी तो वही रंगीनियां रही, आजकल हम भी आप ही के मेहमान हैं। अरे तो ये और सब किसके मेहमान? हाँ? चलो जा सत्यानाथ वहां समा सत्यानाथ। अरे भैया इतनी सारी बिस्की, क्या दो तीन महीने का प्रोग्राम है? अरे नहीं भाई, शायद दो तीन दिन ठहरना पड़े, इसलिए थोड़ी सी रख ली है। और सोडा ट्रक भरकर पीछे से आ रहा है। चलो भाई उन सब अंदर आ जाओ। अरे
अरे अरे कितनी शानदार हवेली है ये तो, बाप रे बाप। अरे लोगों ने तो ताजमहल की पब्लिसिटी यूं ही कर रखी है, असली सातवां मंडप तो यही है। सात तो पहले ही है, ये तो आठवां है। अरे कितना बड़ा झुमका। झुमका नहीं, झूमर। झूमर झूमर झूमर। अरे देखो तो, रखवाला ना होने की वजह से हवेली कबूतर खाना बन गई है। ए, अरे उड़ते क्यों नहीं? इनमें भूस भर रखा है। अच्छा तो भूस भर के इनकी गुटर को बंद कर दी। अरे हाथी का पाँव, ये क्या भाई? अरे गौतम, हाँ? पिछले जमाने में एक राजा एक हाथी पर बैठता था, हाँ? और आजकल चार राजा एक हाथी के चार पांव पर बैठते हैं। क्या तरक्की हुई है। अरे वाह, कितना चिकना खंबा है, जी चाहता है चढ़ूं और फिसल जाऊं, चढ़ूं और फिसल जाऊं। अगर वाकई इस हवेली में भूत है ना, तो बड़ी ऊंची क्लास का है। क्या टेस्ट है भूत का। अच्छा ये भी थम्बू, इनमें भी भूस भर दिया। अरे आहा, आहा, शेर साहब को सामने सीढ़ियों पर चित कर दिया। अगर इस वक्त ये 7 फीट का है, तो जब ये जिंदा होगा तो 7 दूनी 14 फीट का होगा। अरे वाह, सामने हवेली पीछे हवेली, सामने हवेली पीछे हवेली, क्या शानदार हवेली। लोगों ने खामा खा बदनाम कर रखा है। अरे बाहर इतनी अच्छी है तो अंदर के कमरे कितने शानदार होंगे। ये कौन जंजाल था जिसने मेरी पूजा में भंग डाली? मैं उसे जला के भस्म कर दूंगा। राजेश कौन है ये आदमी? ये मरघट वाले बाबा है। पूरा नाम ले बच्चे, भूतनाथ प्रेतनाथ चंडी के। भूतनाथ प्रेतनाथ चंडी के, बिल्कुल ठीक है। मैंने इन्हें इस हवेली से भूत निकालने के लिए बुलाया है। खास सौगन, तूने हवेली का एक भूत निकालने के लिए हमको तकलीफ दी थी यहाँ, लेकिन हम देखते हैं यहाँ चार चार है। बाबा चार नहीं, तीन। मैं इस हवेली का मालिक हूँ। मालिक है तो तू भी मगन रहे बच्चे। जगदीश चलता कर इस पाखंडी को। ये क्या बोल रहा है बाबा? बाबा मैं तुम्हारी दक्षिणा, अब तुम चलते बनो। देख नहीं रहा हमारे दोनों हाथ गिरे हुए हैं, डाल दे हमारे मुंह में। जय चंडी कहे, जय चंडी कहे, जय चंडी कहे, जय चंडी कहे। भाई वाह वाह वाह, बड़े सस्ते में काम हो गया, एक रुपए में भूत निकाल दिया। मामा प्यारे के बेटे, मुर्दा भूतों को जैसे मर्जी टरका दो, ये तो जिंदा भूत हैं जो महंगे पड़ते हैं। जगदीश जाओ जाके गाड़ी में सामान निकाल लो। अच्छा बाबा, मेरा सामान मत लाना, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। अभी बरसों के बाद तो हम चारों दोस्त मिले हैं, तू कहाँ जाएगा? अरे हाँ जगदीश जा रहा है, जरा खाना पकाने का बंदोबस्त करना है। जाओ बाबूजी, इस हवेली में डर के मारे कोई कदम नहीं रखता, यहाँ खाना बनाने के लिए कौन आएगा? तुम्हारा मतलब है ये लोग भूखे मर जाएं? जाओ कुछ इंतजाम करो, चलो जाओ। हाँ जाओ, पास वाले गाँव में जाओ। बलवंत भैया जब तक खाना बनता है, हाँ। खेतों की हवा खा के आए, क्या खा ले? अरे खेतों में तो भेड़ बकरियां चरने जाती हैं, तुम लोग जाओ। राजन तुम? भैया मैं तो हरियाली देख देख कर सक गया हूँ, मैं तो यही हूँ। चल गौतम तू, मैं और बैठे। अरे मुझ पे चढ़ा हुआ है, इसे तो उतारो पहले पानी। बेटे तुझे मैं नदी दिखाने ले जा रहा हूँ, आ जा। जितना भी चिल्ला नहीं पकड़ा। Thank you.
यार बेहोश हो गई है। अब मुंह क्या देख रहे हो, उठा ना यार। हाँ। सवाल को उठाओ, नाजुक चीज है यार। हाँ। ये तो बहुत भारी है बाप। आप सब लोग कौन हैं? हम आपके मददगार हाँ, यह है कुमार बाबू, इस हवेली के छोटे सरकार और मैं हूं इनका लगोटिया यार गौतम। मैंने आपको, मेरा मतलब है कि हम दोनों ने आपको गुंडों से बचाया है। गुंडे गुंडे गुंडे, लेकिन अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके पास हैं। मगर आपको ऐसे घने जंगल में अकेले आने की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? मैं अकेली तो नहीं आई थी, मेरे साथ और भी सहेलियां थी। हम लोग पिकनिक के इरादे से निकले थे, इत्तेफाक से एक दूसरे से बिछड़ गए। सहेलियों से बिछड़कर अब गुंडों के हाथ पड़ गई, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जा भी कैसे सकती है, अब मेरा मतलब यह है कि आपका ये सब देखकर, ये अंग्रेजी खूबसूरत लिबास देखकर कोई भी अपना ईमान खो सकता है, बेचारे गुंडों की तो बात ही क्या है। तो क्या इस घर में कोई लड़की या औरत नहीं रहती? जो कुछ भी है हम ही है, चार कमारे मुस्टंडे, लेकिन सब शरीफ, सब शरीफ, शरीफ सब शरीफ। ओह माय गॉड, क्यों, क्या होगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपका पता क्या है, मैं आपके घर वालों को खबर की देता हूँ। मेरे पेरेंट्स तो लंदन में रहते हैं, मैं हिंदुस्तान में सिर्फ साइट सीइंग के लिए आई हूँ। हाँ बस तो हो गया था, आप मुझे अपना गाइड बना लीजिए। देखिए ये हवेली हिंदुस्तान की पुरानी यादगारों में से एक है, हैव अ सिट। ये मेरी फुफ्फी के लड़के हैं बलवंत। जी हाँ, और इस हवेली का इकलौता मालिक। हाउ डू यू डू? नमस्ते। क्या बात है, लंदन में रहने के बावजूद भी आप हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं भूली। लेकिन मैडम ये हाथ उठे का उठा रहेगा, शेक नहीं कीजिएगा। प्लीज टू मीट यू। हाय, अब नाम भी बता दीजिए। सुचित्रा। आहा, सुचित्रा यानी कि खूबसूरत, भला कितना सुरीला, कितना मीठा। बलवंत भैया, एक खट्टे मीठे की बात छोड़ो, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। जंगल में चंद गुंडों ने इन्हें घेर रखा था, वो तो इत्तेफाक से हम लोग वहां पहुंच गए, नहीं तो गुंडे इनके साथ न जाने क्या क्या सलूक करते। कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, देखने दो। बलवंत भैया, ये मरहम पट्टी के चक्कर को छोड़ो, अभी इन्हें आराम की जरूरत है, मैंने कहा ना। अरे हिंदुस्तान में आराम हराम है, देखने तो दो। हाँ, आराम तो हराम है, लेकिन हमेशा रंग में भंग, प्रोफेशनल होंगी। आप इनकी बातों को बरामद मानिए, ये हमेशा जरा ये पानी चल तो रहा हूँ। भगवान ने ये लड़की भी क्या खूबसूरत चीज बनाई है, लोग मक्खियों की तरह पीछे गिनगिनाने लगते हैं। कोई पूछता है आपका नाम क्या है, आप रहती कहाँ है, आपका यहाँ से गुजर कैसे हुआ। कोई पूछता है अगर आप कंवारी हैं तो मेरे बारे में आपका क्या इरादा है। अरे शुक्र है किसी ने ये नहीं पूछ लिया कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति को तलाक देकर मुझसे शादी कब करेंगे आप। समझ में नहीं आता कि ये लोगों के मिर्चे क्यों लगती है। अरे भाई अपना अपना शौक है, किसी को बटेरे पसंद है, किसी को तीतर पसंद है, और किसी को बुलबुल बुलबुल। लेकिन बाबूजी, गांव में एक एक घर से पूछ आया, लेकिन यहाँ खाना बनाने के लिए कोई तैयार नहीं। खाना तो कुत्ते भी। हाँ जी, आओ आओ आओ। कुमार, तुम क्या हम लोगों को भूखा मारोगे? नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं होगा। बाबूजी, मैं अपनी छोटी बहन को साथ लेकर आया हूँ। अच्छा, वो खाना बना लेगी। तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? तारा, तारा। अरे तारा, चल बाबूलोन को नमस्ते कर। नमस्ते नमस्ते। अरे ये है तो तुम्हारी बहन है तो इसकी बहन, तुम जाओ तो अपनी बना लो। चलो एक बात की तसल्ली हुई कि हम लोग यहाँ भूखे नहीं रहेंगे। बाबूजी, हम लोग गांव वाले हैं, हम खुद भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेहमानों को नहीं भूखा रह सकते। इन्हें बहुत भूख लगती है। हाँ देखो, हम सबके लिए कॉफी बना कर लाओ। हाँ, चल रसोई उस तरफ जा। अरे यार गौतम,
जैसे बसंत में सरसों के फूल खिलते हैं ना, वैसे कमबख्त की जवानी फूट रही है। अरे बलवंत भैया, एक आध घर तो डायन भी छोड़ देती है। डायन छोड़ देती है, लेकिन हम छोड़ा मुझको मैं सोडा ले गया। अरे कॉफी आ गई, कॉफी आ गई, कॉफी। वाह वाह, क्या कप है। कॉफी 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 हाँ कॉफी। हम भी देखे भाई, थैंक यू। बाबूजी, अगर कॉफी में मजा ना आए तो मुझे दोष ना देना, मैंने कॉफी पहली बार बनाई है। वाह क्या जायका है, क्या खुशबू है, बिल्कुल कुंवारी कॉफी का मजा आ गया। बाबूजी आप तो यूं झूठी तारीफ कर रहे हैं, दूसरा कर तो बराबर की है ना। अरे हर चीज बराबर की है। अरे आओ चित्रा, तबीयत कैसी है हा? जी संभल रही हूँ, धीरे धीरे संभल नहीं संभल नहीं। अरे मैं भूल ही गया, ये हैं हमारे दोस्त और ये सुचिता देवी हैं। बेबी जी आपके लिए कॉफी लाओ। नहीं नहीं, अरे नहीं का, ये लो, ये पियो, एकदम तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? तारा। एक तारा बोले टिड़िंग टिड़िंग। क्या बात है पंडित जी, आप गिर क्यों पड़े? क्या बताऊं सरकार, मैं भगवान की पूजा कर रहा था कि किसी ने पीछे छाती मेरी गर्दन दबोच ली, मैं जान बचा के भागा, यहाँ पांव फिसला। अरे कृष्ण कृष्ण, क्या आपने देखा कि वो कौन था? देखता कैसे महाराज, अभी तो उसने सिर्फ मेरी अगर अगर पीछे मुड़ के देखता तो मेरा कलेजा ही निकाल लेता। मुझ पे दया कीजिए महाराज, मैं यहाँ पूजा करने नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा मैं यहाँ पूजा करने नहीं आऊंगा। तू तो बैठ। अब तो मुझे भी यकीन होता जा रहा है, इस हवेली में कुछ है जरूर जिसकी हमें खोज निकालनी चाहिए। बलवंत भैया, मेरा ख्याल है कि हम में से एक आदमी हर रात यहाँ पहरा दे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है। कुमार, आज की रात मेरी बारी रही, कल की रात तुम्हारी बारी। नहीं बलवान भैया, दूसरी रात मेरी बारी और तीसरी रात आपकी बारी। बिल्कुल। और चौथी रात तुम्हारी बारी। यार चौथी रात की बात क्यों करता है, चौथी रात आएगी नहीं। बलवान भैया भूत से क्या काम है, ये भूत को मार डालेंगे, ये भूत को मार डालेंगे। ये पहरा देना ठीक नहीं होगा। बाबूजी आप जाग रहे हैं ना? कैसे आए? दूध पिलाने। इतना ख्याल है मेरा, आप मेहमान जो ठहरे। क्या तुम रात को बहुत देर से सोती हो? बाबूजी नींद ही कहाँ आती है। क्यों, नींद से दुश्मनी है तुम्हारी? पहले दोस्ती थी लेकिन अभी दुश्मनी हो गई। अरे खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। अरे अरे वहाँ नहीं, मेरे बराबर बैठो। अरे 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 आप बड़े लोग ठहरे, आपकी हम गरीबों से क्या बराबरी। अगर ऐसी बात है तो लो मैं भी नीचे बैठ जाता हूँ। बाबूजी ऐसा भी क्या है? तो वैसा भी क्या, या तो हम दोनों नीचे बैठे या तो हम दोनों ऊपर बैठे। लो मैं ही बैठती हूँ। बाबूजी आप दूध पी लो ना, सारी गिलास लेकर मुझे वापस जाना भी है। अगर मैं सुबह तक दूध ना पीऊं तो क्या तुम यहीं बैठी रहोगी? बैठना ही पड़ेगा, नौकरी जो ठहरी। अच्छा तो हम दूध नहीं पीते, बड़े वो हैं आप। तुम भी तो एक पहेली हो, बड़ा मुश्किल है तुम्हें समझना। बाबूजी आप क्या मुझे समझेंगे, पहले मैं अपने आप को समझ जाऊं फिर आपको भी समझा दूंगी। अच्छा मैं जाती हूँ। इतनी जल्दी क्यों, बैठो ना। नहीं नहीं आप अपना काम कीजिए, मैं तो कल भी आपसे मिल सकती हूँ। कल ही क्यों, कल भी परसों भी। तारा मुझसे आंख चुराकर क्यों चली आई? मेरी मर्जी। तो क्या राजन से बात करने में तुझे मजा आता है? मेरी मर्जी। मर्जी तो मेरी भी है,
लेकिन अभी तुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं। अच्छे को तो मैं नहीं जानती बाबूजी, लेकिन बुरे को खूब पहचानती हूँ, इसलिए आपको भी पहचान लिया। अब आप जाइए, मुझे दरवाजा बंद करना है। दरवाजा मैं बंद किए देता हूँ? बाहर से नहीं, अंदर से। अब चटखनी चढ़ाने की मुंह मांगी कीमत भी दूंगा। अच्छे बापू जी, मैं जो मांगूंगी वो देंगे आप? एक बार इशारा करके तो देखो। अच्छा ये तो बताओ बाबू जी, क्या क्या दोगे? दौलत, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा, तुम्हारे सूने सूने गले को जेवरात से भर दूंगा, ये नरमो नाजुक कलाइयां जो कांच की चूड़ियों का बोझ उठाए हुए हैं, इन कलाइयों को सोने की चूड़ियों से भर दूंगा। बाबू जी आप इतनी सारी चीजें मुझे बाद में देना, पहले एक भेंट मुझे भी दे दीजिए। समझ गए बाबू जी, समझ गए। जाइए अपना रास्ता लीजिए, अगर ज्यादा बकबक की तो गले में नाखून गाड़ दूंगी। मैं गांव की लड़की हूँ, ऐसी वैसी नहीं जो सोने और चांदी का लालच देके खरीद लोगे। जाते हो कि नहीं? जाता हूँ, जाता हूँ, लेकिन ये ना समझ लेना तारा कि हमारी आंखों की बंदूक की जद में आया हुआ शिकार हमसे बच के निकल जाएगा। जाओ जाओ। कुमार यार, कुमार ठंडे पसीने आ रहे हैं यार। तो मैं क्या करूं, कंबल ओढ़ो और सो जा। अरे कंबल ओढ़ के भी देख लिया, गरम गरम पसीने आते हैं। अबे आंखें बंद कर ले, अपने आप नींद आ जाएगी। अरे क्या आंखें बंद कर लूं यार, आंखें बंद करता हूं तो डायरेक्ट भूत के सपने नजर आते हैं। ओहो गौतम, ना तुम सोगे और ना किसी को सोने दोगे। कुमार एक मार, पिपरमिंट की गोली खा रहा है क्या? चल अच्छा यार, 8-10 गोलियां मुझे भी दे दे, खाते खाते सुबह कर दूंगा। लाला ला यार। अबे 8-10 गोलियां खा गया ना तो हमेशा के लिए सो जाएगा। क्यों 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 क्यों? अबे क्यों, क्योंकि बच्चे ये स्लीपिंग पिल्स हैं, नींद की गोलियां, ये सिर्फ एक आध दो खाई जाती हैं। अरे यार कुमार एक आइडिया आया, ये जो नींद की गोलियों की शीशी है ना, इसको तू जाकर ऊपर रखा, वो साला भूत इसको पेपरमिंट की गोलियां समझ के खा जाएगा, और फिर सुबह बच्चों को सोते में पकड़ लेंगे। अबे सोते हो या नहीं बुद्धू कहीं के? यार कुमार तेरी गोलियों के बगैर मुझे नींद नहीं आएगी। देख देख मैं गोली खा लूंगा तो मैं सो जाऊंगा, तू भी सो जाएगा। कुमार ऐसा कर, ये सारी की सारी शीशी मुझे दे, मैं रोज दो खा लिया करूंगा और ठंडे गर्म पसीनों से बच जाऊंगा। देख तुझसे ज्यादा मुझे इन गोलियों की जरूरत है। मेरे बाप ये ले, लेकिन भगवान के लिए सो जा। भूत नहीं है, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, अरे मैं, अरे मैं, अरे मैं, अरे मैं। Ha ha ha!
भी न जिया न लगे आ जा रे तेरे बिना जिया न लगे आ जा रे तेरे बिना जिया न लगे चंदनिया कैसे करूं सिंगार जन्म जन्म से पा न सकी मैं साजन तेरा प्यार बिन चंदा के मैं हूँ चंदनिया कैसे करूं सिंगार जन्म जन्म से पा न सकी मैं साजन तेरा प्यार अखियन बीच छुपा ले मुझको आकर अंग लगा ले मुझको आकर अंग लगा ले मुझको तेरे बिना जिया ना लगे आ जा रे तेरे बिना जिया ना लगे दूर है प्रीतम दुनिया मुझसे दूर प्रीत है मेरी घायल पंछी उड़ने से मजबूर आँखों से तू दूर है प्रीतम दुनिया मुझसे दूर प्रीत है मेरी घायल पंछी उड़ने से मजबूर मेरी नगरी आ न सके तू तेरे द्वारे जा न सकूं मैं तेरे द्वारे जा न सकूं मैं तेरे बिना जिया ना लगे आ जा रे तेरे बिना जिया ना लगे करवट करवट नींद आए तेरे बिना जिया ना लगे आ जा रे तेरे बिना जिया ना लगे आ जा रे तेरे बिना जिया ना लगे आ जा रे आइए आप ही की कमी रह गई थी ढोंगी कहीं के लो देख लो खड़ा हूं
अरे मेरी हवेली में कोई भूत भात नहीं है, मेरे लिए तो तुम लोग सब भूत हो। तारा तुम यहाँ कब से? बाबूजी एकाएक की बत्तियां बुझ गई, अंधेरे में मेरा दिल घबराया तो मैं यहाँ आके बैठ गई और यहाँ आकर गाना शुरू कर दिया। तारा तुम्हारी आवाज बहुत रसीली है। क्या कहते हैं बाबूजी, मैं तो आपसे लड़ने आई थी लेकिन आपने बात ही दूसरी छेड़ दी। मुझसे क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ये तस्वीरें देखो बाबूजी, क्या आपको अच्छा लगता है कि किसी कुंवारी लड़की की छुप छुप के ऐसी तस्वीरें ली जाए? देखो बाबूजी, मैं जानती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन आपकी हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अगर आप शरीफ आदमी हैं तो ये सारी तस्वीरें फाड़ दीजिए, मैं चली रसोई में, अगर मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो कुछ का कुछ समझ बैठेगा। कुमार बाबू, इस हवेली में रात को ये आवाजें कैसी आती हैं? इसी बात की खोज में तो मैं भी लगा हूं और शहर की पुलिस भी। इतना डरती हो तुम? कितनी भयानक आवाज है कुमार बाबू, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दादा परदादा के जमाने में इस हवेली में किसी का कत्ल हुआ हो और उसी की आत्मा भटकती हो? जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे पुरखों की हवेली है, हम सब इसी में पलकर बड़े हुए हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है पिछले 2 साल की कहानी है। तो फिर ये मुमकिन है कि इस हवेली के आसपास जो गुंडे रहते हैं शायद उन्हीं की शरारत हो? ये बात कुछ समझ में आई। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल छुपकर उन गुंडों के इलाके में जाती हूँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप भी आ जाइएगा ना। जी इसमें तकलीफ किस बात की? मेरा मतलब है कि ये तो मेरा फर्ज है, हो सकता है इस तरह किसी बात का पता चल जाए। गुड नाइट। थैंक यू। यू आर वेलकम। बाबूजी, हे बाबूजी, ये किसके सपने देखे जा रहे हैं? सपने दिन को नहीं रात को देखे जाते हैं। मैं तो दिन को भी देखती हूँ। तो बड़ी खुशी से देखो, लेकिन खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ ना। कोई बैठने को कहे तब ना। अपनी मर्जी से आई हो ना, मैंने तुम्हें कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा था। कार्ड तो उसको भेजा जाता है जो दूर हो, मैं तो इसी घर में आपके पास हूँ। मैं पोस्ट कार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं तो इनविटेशन कार्ड की बात कर रहा हूँ, यानी कि निमंत्रण पत्र। बाबूजी, आपको एक अनपढ़ देहाती लड़की के सामने ये अंग्रेजी जानने की आदत क्यों है? जरा पढ़ जाती है, मैं भी बैठती हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप अकेले एक ही जगह इतनी देर तक कैसे बैठ सकते हैं? आपका दिल नहीं घबराता? मैं तो रसोई में 10-15 पल भी बैठती हूँ तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा? हाँ, सब्जी काटती हूँ तो आपका ध्यान आ जाता है। अच्छा? हाँ, दाल में नमक डालती हूँ तो आपका ख्याल आ जाता है। अच्छा? हाँ, और जब रोटी पकाती हूँ तो आप सामने आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा? हाँ। बाबूजी ऐसा क्यों होता है, हम तो नए नए मिले हैं ना। देखो तारा, तुम मुझे ये बाबूजी कहना छोड़ दो, तुम मुझे बाबूजी बुलाती हो ना तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं किसी डाकखाने में क्लर्क हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरे नाम का पता है? पता तो नहीं, लेकिन होगा कुछ राम कुमार, श्याम कुमार, दिलीप कुमार। देखो ना, मैं राम हूँ ना मैं श्याम हूँ ना ही मैं दिलीप हूँ, लेकिन कुमार जरूर हूँ। अच्छा, तो आपका नाम कुमार है? सिर्फ कुमार नहीं, राजन कुमार, घर वाले मुझे प्यार से राजू कहते हैं। हाँ, लेकिन तुम चाहो तो राजन कह सकती हो। अच्छा, तो राजा साहब आपको किसी रानी की जरूरत नहीं है? रानी की जरूरत तो नहीं, बल्कि एक ऐसी मेहतरानी की जरूरत है जो मेरे क्वारपन की कोठरी में झाड़ू लगाकर उसका गर्दो गुबार साफ करके मुझे अपना बना ले। झाड़ू लगाए तो मुझे भी बहुत अच्छी तरह से आता है, लाइए मैं आपका हाथ साफ करूं। तुमसे मेरा हाथ ज्यादा साफ है, लव, पहले मैं तुम्हारा हाथ साफ करूं। हाय, मेरी अंगूठी? मेरी अंगूठी?
मतलब जानते हैं आप? तुम समझा दो। जब कोई लड़का लड़की अंगूठी बदल लेते हैं उसका मतलब होता है उनकी मंगनी हो गई। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? अब क्या होगा? Excellent, fantastic, most romantic. ऐसा पोज तो आजकल की फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता। राजन, अगर मैं ये फोटो प्रिंट करा कर किसी फिल्म कंपनी को भेज दूं तो तुम दोनों को हीरो हीरोइन का चांस मिल जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? बलवंत, किसी की प्राइवेट तस्वीर छपवाने से हथकड़ी भी लग सकती है। तुम हर किसी को अपने जैसा मत समझो। मैं तारा से शादी करूंगा। शादी? और इससे राजन, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी का फूल है। जैसे मान लो आज तुम सूंघ रहे हो तो मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, और अगर कल मैं सूंघूं तो तुम्हें नाक दूसरी तरफ कर ले। बलवंत, मेरा नाम भी राजन है। अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। अरे जा जा, तू क्या हिसाब किताब लेगा? स्कूल मास्टर मर गया इसी तमन्ना में कि मैं कुछ हिसाब किताब सीखूं। लेकिन मैं तुझे वहां मारूंगा जहां पानी भी नसीब ना हो। पानी पीने की आदत तो हमने बचपन से ही छोड़ दी थी। चल, थूक दिया गुस्सा। ला, मिला हाथ। अरे मिला ना यार हाथ। अरे मेरी तरफ देख यार, दिल पर कितना बड़ा घाव खाए बैठा हूं, लेकिन मैंने मुंह से चू तक भी नहीं की। देख राजन, इन प्यारी प्यारी सूरतों से ये प्यारे प्यारे खेल तो मैं बचपन से ही खेलता चला आया हूं। लेकिन देख, आज तक किसी के लिए अपने दिल में मैल नहीं रखा। दिल होता ऐसा हो। चल, विस्की पिए। अरे हाँ, तू तो विस्की पीता ही नहीं, इसीलिए कमजोर है। चल चल। तुमने अंगूठी तो बदल ली, लेकिन आज रात 12 बजे तक तुम्हारा इम्तिहान है। अगर आधी रात को तुम गाती हो तो आज न गा सकोगे। ये लीजिए, मैं गाती हूं। मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? इसलिए कि हम दोनों ने जीवन भर साथ रहने की सौगंध खाई है, पराए अपने हो चुके हैं। कितने बज गए? अभी तो सिर्फ 12:45 बजे। 12:45? मैं जाती हूँ। हाय, कितने दिनों से हाथ खींचा है मेरा, अब जाने भी दो ना। तुम आई हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से। अब जाओ राजन। हलचल सी मचाकर कहाँ जा रही हो? सुन रही हो कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं? तुम भी सुन रही हो ना? हाँ, सुन रही हूँ। मुझे तो डर लग रहा है, अब मुझे रसोई में जाने दो। ठहरो, अभी तो किसी के गाने की आवाज आएगी। हो सकता है ना आए। क्यों,
यहाँ तो हर रोज आधी रात को किसी के गाने की आवाज आती है। मैंने तो कभी नहीं सुने। तुमने वो गीत कभी नहीं सुना? तो मैं इस हवेली में थोड़ी रहती हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ आप लोगों के लिए खाना बनाने आई हूँ। अब मुझे जाने दो राजन, बहुत नींद आ रही है। तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा रे। तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा रे। तेरे बिना जिया ना लगे, आजा रे आजा। राजन राजन राजन, कुमार क्या बात है? हवेली में भौचाल सा आ गया, पर्दे हवा में उड़ने लगे, हर चीज खड़खड़ाने लगी, कभी मधुर सी हंसी और कभी दर्द भरा गीत और कभी परिंदों की चीखने की खौफनाक आवाजें और पायल की झनकार। तो क्या तुमने किसी खूबसूरत लड़की का साया भी देखा जो गीत गाता हुआ उधर से गुजरा हो? साया? नहीं नहीं, मैंने साया भाई को नहीं देखा, लेकिन लेकिन आवाज जरूर सुनी थी। मुझे तो डर लग रहा है, मैं जाती हूँ। दिल मजबूत रखो कुमार, अगर किसी वक्त भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। आ गए बाप की तरह रंग में भंग डालने, ढोंगी कहीं के। चाहिए तुम्हें नौकर और नौकरानियां मारी चली औलाद की तरह होती है। मैं कौन सा इसकी जान ले रहा था, अब मैं भी तो इसे गोद ही खिला रहा था। भैया न तुम समझे और न समझोगे। हाँ यार, अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात। भैया आशिकों को किसने समझाया? मेरा ख्याल है तुम्हारी आशिकी का भूत निकालना ही पड़ेगा। पहले हवेली का भूत तो निकाल लो। बलवंत भैया, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कम अज कम उस खानदान की इज्जत का तो ख्याल करो जिसके तुम चश्म चिराग हो। कुमार, अगर तुम्हें अपने खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है तो अपने खानदान की फहरिस्त से मेरा नाम कटवा क्यों नहीं देते, कटी हुई पतंग की तरह। ये बात है तो तुम्हें राह पर लाने के लिए मुझे ही कोई तरीका सोचना पड़ेगा। अच्छा इस तरफ तो चलो। मैं क्यों चलूं? तुम जाओ, शिकारी जब शिकार पर निकलता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता है। अच्छी बात है, तारा तुम चलो मेरे साथ। हमारे पहलू में क्या बुरी लगती है जो तुम्हारे साथ जाए? कुमार मेरे जाती मामलात में दखल मत दिया करो। बलवंत, एक मासूम लड़की की इज्जत का मामला किसी का जाती मामला नहीं होता बल्कि सारे समाज का होता है। चल जाओ यहां से। तूफान उंगली के इशारे से अपना रास्ता नहीं बदलता। हट जाओ। Oh, my God.
भाई को भाई समझे तो ना। शैतान भी किसी का भाई हुआ तो तुम हो। ये हवेली फूटो की पहली तो पहले से थी, मगर ये पानीपत का मैदान भी हो गई। क्या हो रहा है, क्या हो गया भाई? बात इनसे पूछो जिनके लिए दुनिया की हर औरत एक दिल का पहलावा है। अभी अभी ये तारा के साथ तभी से कर रहे। अरे तो मैंने कौन सा उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया? खाली बहिया ही तो पकड़ी थी। तुम क्या खड़े हो, जाओ चलो काम करो। क्या देख रहे हो? भाई भाई का झगड़ा, जाओ। अच्छा तो ये प्यार मोहब्बत का झगड़ा है, तब लगे रहो, लगे रहो। ना मिला हाथ, नहीं मिला था। अरे भाई चल, मैं हारा तू जीता बस। तू भी क्या याद करेगा कि एक दिल वाला भाई मिला था। मेरा हाथ? मैं हाथ वाथ नहीं मिला था। अभी पिताजी को फोन करता हूँ, तुम्हारी ये जायदाद और रोज रोज के किस्से को तमाम कर देता हूँ। अरे जा जा, तू क्या किस्सा तमाम करेगा, कहानी तो अभी शुरू हुई है। तारा भैया, वो मत बहन, वो मत, चुप हो जा, नहीं रोते। तेरी इज्जत का रखवाला मैं जो हूँ, बाबू लोग ठहरे तो क्या हुआ? अपनी इज्जत के लिए मैं किसी के टुकड़े टुकड़े भी करूं। हेलो पिताजी, मैं कुमार बोल रहा हूँ। क्या बात है कुमार? बलवंत भैया अपने आपे में नहीं है, अपनी सारी जायदाद पर कब्जा चाहते हैं, बात बात में आंखें दिखाते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं कल सुबह वहां पहुंच रहा हूँ। मेरे आने तक बात को बढ़ाना नहीं, मैं आकर खुद उससे निपट लूंगा। जैसी आपकी मर्जी। ये क्या, मैं तो अपनी छाया देख रही थी। पानी में भी कोई अपनी छाया देखता है? तो फिर कहाँ? मैं हवेली छोड़ के घर जाना चाहती हूँ। मुझसे डर लगता है? डरने की बात नहीं, बस यूं ही। तो फिर मैं भी शहर लौट जाऊंगा। क्या आपको भी भूत से डर लगने लगा? भूत से नहीं, तुमसे। क्यों? तुम जब जब सामने आते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब सामने आते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम जैसे बातें करते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम ऐसी बातें करते हो। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो अपने अपने लगते हैं। क्यों पीछे सच हो जाते हैं जो पहले सपने लगते हैं, जो पहले सपने लगते हैं। जब जब आँख मिलाते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब आँख मिलाते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब सामने आते हो Thank you.
शर्मा के छुप जाते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम शर्मा के छुप जाते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम ऐसी बातें करते हो पूछो अपनी आंखों से क्यों हम अपना दिल खो बैठे। वो भूले सारी दुनिया को जो पास तुम्हारे हो बैठे, जो पास तुम्हारे हो बैठे। तुम ऐसी आग लगाते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम ऐसी आग लगाते हो मेरे मन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब सामने आते हो मेरे तन में कुछ कुछ होता है। तुम जब जब सामने आते हो। मामा प्यारे, मैं इस बेचारी मछली की तरह आपकी चोंच में फंसना नहीं चाहती। डालने की भी हद होती और आप उस हद से बहुत बाहर जा चुके। मैं आज आखिरी बार आपसे कह देता हूं कि आप मेरी सारी जायदाद और मेरी दौलत मेरे नाम कर दीजिए, वरना मुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो तुमने फैसला कर लिया है कि अपनी जमीन जायदाद और दौलत शराब की नजर करके ही रहोगे? नहीं तो क्या आपकी नजर कर दूं? मामा प्यारे, आप मेरे हैं, मेरी जायदाद के नहीं। जायदाद मेरी, मैं चाहे इसे आग लगा दूं या शराब दूं। बलवंत बेटा, अपनों को डूबते देखकर दुख होता है, अब फिर मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम मेरी बहन की निशानी हो। मामा प्यारे, ये प्यारे प्यारे आपके नाटक तो मैं बचपन से देखता आया। कभी कभी मुझे ये शक होता है कि आप मेरी जायदाद हड़प करने के लिए किसी दिन मेरा खून भी कर देंगे। बलवंत भैया, कभी तो होश की बात किया करो। क्या कोई बाप अपने बेटे का खून कर सकता है? क्यों नहीं। कुमार, तुम चुप रहो। बलवंत, तुम मुझे आज रात तक की मोहलत और दे दो। कल सुबह होते ही जो तुम चाहोगे मैं कर दूंगा। मामा प्यारे, कान खोल कर सुन लो, कल का मतलब है कल, परसों नहीं। बलवंत भैया, अगर कल का मतलब परसों भी हो जाए तो उसमें क्या अर्ज है? मामू भांजो वो पैसे को भर जगह। छी 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 छी। कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
किताब ढोंगी। कुमार, ये बताइए कि रात को यहां कौन कौन था? मैं था, पिताजी थे, राजन था, सुचित्रा जी थी, तारा थी और हमारा माली जगदीश। सर, मकतूल की जेब से यह डायरी मिली है। मिस्टर कुमार, मरने वाले के हाथ की लिखी हुई ये डायरी पढ़िए। आज मेरे और राजन के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। हाथापाई के दौरान में मैंने राजन को खूब सबक सिखाया, यहां तक कि राजन के मुंह से खून बह निकला। इसमें फिरकर राजन ने कहा कि मेरा नाम भी राजन है, अपने खून के एक एक कतरे का तुमसे हिसाब लेकर छोड़ूंगा। बात और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कमबख्त गौतम ने आकर हम दोनों को छुड़ा दिया। मिस्टर कुमार, ये गौतम कौन है? आपने उसका नाम नहीं बताया। जी, गौतम हमारा दोस्त है और शायद ऊपर के कमरे में सो रहा है। हवलदार, कुमार साहब के साथ ऊपर जाओ और गौतम को नीचे लेकर आओ। कुमार साहब, जाइए। गौतम, ए गौतम, उठो। क्या यार, सुने सर। उठो उठो। अरे भूत नहीं, पुलिस आई है। अरे अरे पुलिस, इसका मतलब ये कि भूत पकड़ा गया। अरे हवलदार यार, तुमको चक्कर मिलेगा। मिस्टर गौतम, हमारे साथ चलिए। क्या बात है भाई, क्या बात है?
जब से भूतिया हवेली में आया हूँ एक दिन चैन की नींद नहीं सो सका। इसलिए पैर बड़ी मुश्किल से हाथ लगी थी कि यह जगाओ महाराज अपने जगाने के लिए साथ में पुलिस ले आया। अरे भैया भी ऐसी बात नहीं है, यही तो है। इनको दारू पीने की बहुत आदत है, रात को कच्ची चढ़ानी होगी वो बंद हो गए अपने कमरे में नहीं पहुंच सके। अरे देखा बल्लभ भैया तुम्हें भूत ने मार डाला। अरे कुमार मैं तुझसे कहता था यार हवेली में मत चल मत चल। अरे क्या मुझे इसलिए तू याद आया था कि अपने दोस्त को इस तरह खून में रंगत देखूं? अरे बल्लभ भैया, अरे बल्लभ भैया, क्या तुमने राजन और बलवंत को हाथापाई करते देखा था? अरे हाथापाई करते देखा था मैंने, तो दोनों को तो छुड़ाया था मैंने। अच्छा तो ये बताओ क्या राजन ने खून का बदला खून से लेने की प्रतिज्ञा की थी? हाँ साहब, बिल्कुल थिएटर के हैमलेट की तरह बोला था, ऐसे खून पोंछ के बोला, मेरा नाम भी राजन है, मैं तुमसे अपने खून के एक एक कतरे का हिसाब लेके छोड़ूंगा। मगर साहब आपका इससे क्या मतलब है? मिस्टर राजन, इसका मतलब ये हुआ कि बलवंत का खून तुमने किया है। नो सर, बलवंत के खून में मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन ये डायरी और तुम्हारे दोस्त गौतम का बयान। गौतम, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि बलवंत का खून मैंने किया? अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि यार तू ऐसा कर सकता है। मैं समझा कि तूने गुस्से में ऐसे झूठ मूठ कह दिया होगा। अरे तूने तो सचमुच खून कर दिया। अरे पागल, तूने क्या किया? मिस्टर राजन को गिरफ्तार कर लो। यस सर। नहीं नहीं मिस्टर कुमार, कल सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आप सब लोगों को पुलिस चौकी में पहुंचना होगा। तुम दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। हेलो जी, हैं? मैं अभी आता हूं। किसका टेलीफोन था बेटा? पिताजी मैं जरा जल्दी में हूं, वापस आकर बताता हूं। अरे कुमार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे डर लगता है अकेले में। कुमार, इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर कुमार, जब हम राजन को गिरफ्तार करके जीप में ला रहे थे तो इत्तेफाक से जीप उलट गई। बाकी सबको तो मामूली सी चोटें आई हैं, मगर राजन मर गया। राजन मर गया? मुझे अफसोस है। डॉक्टर साहब, क्या हम राजन की लाश को देख सकते हैं? अगर इंस्पेक्टर आ गए तो है ना ऑब्जेक्शन। थैंक यू। चलिए नर्स, रोने धोने से क्या फायदा है, जाने वाले वापस तो नहीं आ जाते। भूल जा सकता। अरे फिर से रो रही है? नहीं रोते, चलो उठ। ऐसा भी क्या है भैया? नहीं नहीं रोते। जो कुछ होना था हो चुका, अब हमें यहां से फौरन चल देना चाहिए। यहां एक पल भी ठहरना मौत को दावत देना है। हाँ मालिक। पिताजी, क्या आप भी ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? कुमार, ए कुमार, देखो
तुम चाहो तो जीती मक्खी शॉप से निकल लो, मगर अब मैं इस मरघट में एक सेकंड भी नहीं ठहरूंगा। अरे हम चार दोस्त इस घर में कितनी खुशी खुशी आए थे, दो भगवान को प्यारे हो गए, बलवंत को मैंने फूका, राजन की अर्थी मैंने अपने हाथों से उठाई, और अब देखो, अरे देखो चाचा की तरफ, जीते हुए भी कफन लपेटे कुर्सी पर बैठे हुए हैं यार। इतना डरने की क्या जरूरत है, हम सब जो है यहाँ। हाँ देखा मैंने, हम सब है यहाँ, तुमने क्या किया देखा मैंने, मैं तुम्हारी बात में बिल्कुल नहीं आऊंगा, मैं यहाँ एक रात भी नहीं ठहरूंगा। एक तो साली भूतों के डर से रात को नींद नहीं आती, और नींद लाने के लिए वो गोलियां खानी पड़ती है, और अब वो गोलियां भी खत्म हो गई है यार। ए मेरे बाप, ए मेरे बाप, अब मुझे जाने दे, नहीं तो मैं ऊपर चला जाऊंगा भाई। हम पागल हो गए हो क्या, हमें भी तो यहाँ नहीं रहना। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है, ये सब कुछ करतूत भूतों की है या गुंडों की शरारत। और ये जानना चाहना है, चाहे हमारी चेहरी क्यों ना चली जाए, तुम चाहो तो भूतों से आंख में चोली खोलो, या चाहो तो गुंडों से त्रीस साल कुश्ती लड़ो, लेकिन अब मैं बिल्कुल यहाँ नहीं ठहरूंगा। चाचा जी, ए मेरे चाचा जी, इसको समझाओना, ले देकर मेरा एक ही दोस्त बाकी रह गया है, मैं जाकर सामान मानता हूँ, मैं अभी नहीं ठहरूंगा, मैं बिल्कुल नहीं ठहरूंगा। अब हमें ये हवेली छोड़ देनी चाहिए, यहाँ रहना अपनी जान से खेलना है। आपकी जैसी मर्जी, मैं चलने के लिए तैयार। मिस्टर कुमार, आप लोग यहां से नहीं जा सकते। आप कौन? मैं सीआईडी ऑफिसर हूं। मैं क्या मदद कर सकता हूं आपके? मुझे बलवंत के कत्ल के सिलसिले में तफ्तीश करनी है। शंभुनाथ जी, आप बता सकते हैं कि बलवंत का कत्ल क्यों कर हुआ? मैं नहीं जानता। मिस्टर कुमार, आपका क्या कहना है? मैं भी कुछ नहीं जानता। शंभुनाथ जी, ये आपकी पट्टियां कैसे बनी हैं? जिस तरह बलवंत की मौत हुई, कल रात मैं सो रहा था, अचानक किसी ने अपने लोहे जैसे हाथों से मेरा गला दबोच लिया, मैं चिल्ला उठा, मैंने मदद के लिए कुमार को बुलाया, कुमार के आते ही भूत का काला साया भाग निकला। मिस्टर कुमार, क्या आपने भूत के काले साये को देखा? देखा ही नहीं, बल्कि उसने मुझे भी जमीन पे दे पटका। तो आपका मतलब है कि बलवंत का खून भी भूत नहीं किया है? मुझे अभी तक विश्वास है कि इसमें भूत प्रेत का कोई हाथ नहीं है। आपका मतलब है कि किसी इंसान का हाथ है? बिल्कुल। तो मुझे कहने दीजिए कि बलवंत के कातिल आप हैं, आप ही उसे यहां बहला फुसलाकर लाए थे, क्या आपके पिताजी बलवंत की तमाम जायदाद के ट्रस्टी नहीं हैं? आप मुझ पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो मैंने सब सामान रख दिया, चलो भैया जल्दी चलो, चलो चलो चलो। मिस्टर कुमार, ये कौन है? अरे ये कौन है? ये मेरे दोस्त है मिस्टर गौतम, मेरे दादी यहाँ आए थे। अच्छा, तो आप है मिस्टर गौतम? हाँ जी। बलवंत के कत्ल के वक्त ये कहाँ थे? यही यही थे। तो मिस्टर गौतम, आप भी नहीं जा सकते। अरे, 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 क्यों नहीं जा सकते भाई? मैंने कह दिया, मेरी इजाजत के बगैर हवेली से कोई बाहर नहीं जा सकता, आप लोग अपने अपने कमरों में जाइए। शंभुनाथ जी, तारा कहाँ है? किचन में। अरे अरे अरे, न जाने ये कौन टोपा लगा के आ गया, अच्छी खासी जाने की तैयारी कर ली थी, कदम ही जाम कर दिए, मुझे तो लगता है ये भी कोई भूत का रिश्तेदार है। ए लड़की, तुम्हारा नाम तारा है? आप कौन है? मैं खुफिया पुलिस का ऑफिसर हूँ। लड़की ये बताओ कि बलवंत का खून तुमने क्यों किया? नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, मैं तो उस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। अच्छा तो ये बताओ कि जब कोई भी आदमी किसी शरीफ लड़की की इज्जत से खेलने की कोशिश करता है तो उस वक्त लड़की का क्या फर्ज होता है? अपनी इज्जत बचाना। शाबाश, और क्या कर सकती है? फर्ज करो उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी, उसकी मदद को कोई नहीं आया, तो घर में चाकू भी होता है, छुरी भी होती है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए शेर भी बन सकती है, किसी का खून भी कर सकती है। नहीं नहीं। अच्छा ये मान लिया कि बलवंत का खून तुमने नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि राजन ने किया हो। हाँ? राजन को कत्ल करने की क्या जरूरत थी? क्या राजन तुमसे प्यार नहीं करता था? क्या वो अपनी प्रेमिका का बदला लेने के लिए अपने दुश्मन का खून नहीं कर सकता था? नहीं नहीं, राजन ऐसा नहीं था, वो बहुत भला आदमी था, वो किसी की जान नहीं ले सकता था। मानता हूँ कि बलवंत का खून तुमने नहीं किया, राजन ने भी उसका कत्ल नहीं किया, तो हो सकता है कि तुम्हारे भाई जगदीश ने अपनी बहन के अपमान का बदला लिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मेरा भाई ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं, भाई बहन की रक्षा के लिए ही जन्म लेता है, वो अपनी बहन की इज्जत के लिए एक तो क्या दो चार दस का खून कर सकता है। देखो तारा, तुम डरो नहीं, ये मेरा जिम्मा रहा कि मैं तुम पर और तुम्हारे भाई पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा भी दिल रखना होगा। जी जी, मैं समझी नहीं, आपका मतलब क्या है, आप क्या चाहते हैं? मैं जो कुछ चाहता हूँ उसमें थोड़ी सी खुदगर्जी मेरी है, लेकिन भलाई तुम्हारी ज्यादा है। अब तो राजन इस दुनिया से दूर चला गया, अब तो तुम्हें भी किसी जीवन साथी की जरूरत होगी,
क्या मेरे प्यार का सहारा मंजूर करोगी? बस। राजन, तुम जिंदा हो? आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा तो? ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? ये क्या ढोंग है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तारा तुम मुझे ये वचन दो कि तुम ये किसी पे जाहिर नहीं करोगी कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? हर बात पर बहस नहीं करते, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अच्छा तारा, ये बताओ वो सुचित्रा मैम साहब कहाँ है? क्यों? ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई। वो तो हर वक्त बाहर ही घूमती रहती है। अच्छा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, भूल मेरी नहीं, भूल मेरी नहीं। यू डैम फूल, भूल तुम्हारी नहीं तो किसकी है? गुस्सा बाप को पकड़ के हाथ फालो, तुम्हें कसम जवानी की, तुम्हें कसम जवानी की। पहले ये बताओ फूल किसकी है? इन निगाहों की, इन निगाहों की। तो फिर चश्मा क्यों नहीं लगाते? लगाता हूँ, लेकिन रामायण और गीता पढ़ते समय जान तारों को देखने की अभी ताकत है इन निगाहों में। कितनी प्यारी है आप, ये जान जैसा चेहरा, ये बिखरी बिखरी जुल्फे, तेरी सुबह कह रही है, तेरी शाम का फसाना। शर्म नहीं आती है हरकतें करते हुए इस उम्र में? अजी उम्र पे क्यों जाती हैं आप, ये तो सब वनस्पति का चमत्कार है। दिल पे हाथ रख के देखिए, घायल पंछी कितना फड़क रहा है जब से टक्कर खाई है। बड़े मियाँ, इस बुढ़ापे में जवान औरतों से टक्कर नहीं, ठोकरे खानी पड़ती है। अजी यही तो तमन्ना है, ठोकरे खाता फिरूं और जब ठोकर खा के उठूं तो आप जैसी हीरा मोती लड़की को पाऊं, अपनी शादी रचाऊं और बाकी की सारी उम्र राम भजन में बिताऊं। क्या इरादा है आपका? सूरत देखिए आईने में। अड़ी अड़ी अड़ी, रुक जा कुड़ी। अरे सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में, सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में, हम दिल का तोहफा लाए हैं मत खो देना नादानी में, सूरत से क्या पहचानोगे कि हम हैं कितने पानी में। ये दिन है आँख मिलाने के, ये दिन है आँख मिलाने के, मत प्यार करो तन्हाई से, दिल है तो मोहब्बत की होगी, फिर क्या डरना रुसुवाई से, रुसुवाई से, रुसुवाई से। अरे कब प्यार करोगे जब ना किया, ऐसी भरपूर जवानी में, कब प्यार करोगे जब ना किया, ऐसी भरपूर जवानी में, सूरत से क्या पहचानोगे के डडड़ 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 डा 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 बुर। बालों की सफेदी कर मत जाए, जाए 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 जाए, बालों की सफेदी पर मत जा, हम पूरा साथ निभाएंगे, पलकों पे बिठा कर रखेंगे और सौ सौ नाज उठाएंगे, उठाएंगे, उठाएंगे।
अरे क्या दिन क्या रात रहेंगे हम, हाजिर तेरी दरबारी में, क्या दिन क्या रात रहेंगे हम, हाजिर तेरी दरबारी में, सूरत से क्या पहचानोगे के हम है कितने पानी में। जब मौसम हो गुस्ताखी का, जब मौसम हो गुस्ताखी का, कोई तो शरारत सूझेगी, जितना ही दबाओ ये दिल को उतनी ही मोहब्बत सूझेगी, सूझेगी, सूझेगी। अब आ भी जाओ बाहों में, कब से हो खड़े हैरानी में, अब आ भी जाओ बाहों में, कब से हो खड़े हैरानी में, सूरत से क्या पहचानोगे के हम है कितने पानी में, हम दिल का को बहस लाए हैं, मत खो देना नादानी में। डटर 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 डटर। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सीआईडी के इतने बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, ये तो मैं अभी तक नहीं सोच सकी। आप कौन हैं? लीजिए सर। हो, तो आप ही स्टेट की सीआईडी डिपार्टमेंट से आई हैं? हवेली में जिस जिस किस्म के हादसात हो रहे हैं उसकी छानबीन के लिए, और ये जो लोग हैं सीआईडी के हैं, मेरी मदद के लिए आए हैं। अरे मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, बलवंत के कत्ल के सिलसिले में आप गिरफ्तार भी हुए, जीप के एक्सीडेंट में मरे भी और जी भी गए। क्या किया जाए, बलवंत का कत्ल कुछ ऐसे अनोखे ढंग से हुआ है कि उसका पता लगाने के लिए हवेली में रहने वालों को धोखा देना बहुत जरूरी था। मेरा ख्याल है बलवंत का कातिल उसका कोई दोस्त है। और इसी तरह हवेली में जो और कत्ल हुए हैं वो भूतों के कारस्तानी नहीं, बल्कि उसमें भी किसी इंसान का हाथ है। लेकिन सर, इस स्टेट की पुलिस होने के बावजूद आपको बाहर से क्यों बुलाया गया? बताता हूँ। तारा, तारा!
खरगोश, छोड़ो मुझे, छोड़ो, राजन, राजन, बचाओ! राजन तो मेरे भाई जैसे हैं। भाई, इस शब्द का मतलब समझती हो क्या? तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं और मिस्टर राजन एक जैसे काम करते हैं। हाँ हाँ, तभी तो एक दूसरे के गले मिलकर हंस रहे थे। कैसे पागल हो, हम दोनों चोर डाकुओं को चुपके से पकड़ने वाली पुलिस में काम करते हैं, और फिर मिस्टर राजन तो हमारे ऑफिसर है। भगवान की सौगंध खा के कहो। भगवान की सौगंध, बस मुझे क्षमा कर दो, मैं न जाने कौन सी गड़बड़ वाली बात समझी। मिस सुचित्रा, चलो चले। देखो जी, मैं तो यूं ही गर्म हो बैठी, अब समझ गई, अब तो मुझे माफ कर दो। मिस सुचित्रा, आप चलती हो या नहीं? ओफो, अभी तक आपका गुस्सा नहीं गया? ऐसी प्यारी सूरत पर गुस्सा नहीं, प्यार आता है। सर, हम दोनों का काम चोर डाकुओं को पकड़ना है, आप तो उल्टे गिरफ्तार हो रहे हैं। कुछ जेलें बड़ी प्यारी मालूम होती है मिस सुचित्रा जी, लेकिन थैंक यू, आपने मुझे मेरी ड्यूटी याद दिला दी। आपका कहना ठीक साबित हुआ, ये चोरी डकैती मतलब खून भूत नहीं कर रहे, अब हमें उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जो हवेली को भूत घर बनाए हुए हैं। देखो जी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, मैं गांव की अनपढ़ लड़की हूँ, अगर मेरी बात मानो तो मैं बदमाशों को पकड़ने की एक अच्छी तरकीब बताऊं। अच्छा बताओ। तारा की तरकीब बुरी नहीं, क्षण भर की तकलीफ और उम्र भर का आराम। तीन कमारियां हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, चोली में आके बिठा दे कोई, हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, चोली में आके बिठा दे कोई। तीन कमारियां हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, चोली में आके बिठा दे कोई, हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, चोली में आके बिठा दे कोई। तीन कमारियां लखनऊ की रहने वाली, मेरा नाम सुपारी, कितनी सुपारी, मीठी सुपारी। मैं लखनऊ की रहने वाली, मेरा नाम सुपारी, पड़ गई एक बाके के बल्ले में किस्मत की मारी। पहले ही रात मुआ अल्लाह को प्यारा हुआ, पहले ही रात
मस्त बुआ, अल्लाह को प्यारा बुआ, दुल्हन दोबारा बना दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, दुल्हन दोबारा बना दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, तीन कमारियां हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, तीन कमारियां मथुरा के छुई मुई हूँ, नाम है मेरा कथा, गिला गिला कथा, सुका सुका कथा, मैं मथुरा के छुई मुई हूँ, नाम है मेरा कथा, जोड़ दिया घर वालों ने एक पहलवान से मथा, जब से बिहार के लाया घूंघट भी ना उठाया, जब से बिहार के लाया घूंघट भी ना उठाया, दिल की लगी को पूछा दे कोई, डोली में आके बैठा दे कोई, दिल की लगी को पूछा दे कोई, डोली में आके बैठा दे कोई, तीन कमारियां हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, डोली में आके बैठा दे कोई, हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, डोली में आके बांस बरेली देश माला, नाम हमारा जरदा, नंबर जरदा, नंबर जरदा, बांस बरेली देश माला, नाम हमारा जरदा, बचपन ही से हम शर्मीले सबसे करते पर्दा, सर्दे में क्या नशा है, पर्दे में क्या मजा है, सर्दे में क्या नशा है, पर्दे में क्या मजा है, समझे जो पर्दा उठा दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, समझे जो पर्दा उठा दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, तीन कमारियां हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, हाथों में मेहंदी रचा दे कोई, डोली में आके बिठा दे कोई, तीन कमारियां बताओ बताओ तुम लोग कौन हो? हम लोग बताओ। अरे पहले तुम मुझे अपने गुरु का नाम बदलाओ, जिसने तुम्हें एक मिनट में औरत से मर्द बनाने का सबक सिखा दिया। मैं पूछता हूँ तुम सब लोग कौन हो? हम सब लोग इस हवेली के रखवाले, हमारा काम यहाँ तारा देना है, यहाँ सुहा है उस साले को मार के भगा दे, नहीं तो डरा के भगा दे। तुम्हारा सरदार कौन है? मैंने अपने सरदार की आज तक सूरत नहीं देखी, उसके मुंह पर काला नकाब पड़ा रहता है। उसका नाम क्या है? जल्दी बतलाओ वरना गोली से उड़ा डालू। अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे जो कुछ मालूम था भगवान की शोहर बनता थे। हाँ एक बात और मालूम है, वो जो हवेली है ना, उसमें जगदीश माली है, उसका उस काले नकाब वाले से कुछ छुपे चोरे दिखता, वो चुप चुप के उससे मिलता है। लो मैं भी इसे पकड़ लाई, ये भागा जा रहा था। इंस्पेक्टर शर्मा, yes, sir. तुम इन सबको ले जाओ, चलो। तारा तुम हवेली जाओ और उन सब पर नजर रखो। मैं अकेली? जाओ ना। ये काले नकाब वाला आदमी कौन हो सकता है जिसका संबंध जगदीश से है? मिस चित्रा, मुझे जगदीश माली पर पहले से शक था कि हवेली की कार्रवाई में वो भी शामिल है। मुझे यकीन है जरूर उसका भी हाथ होगा। तो अब जगदीश माली हमारा अगला निशाना है।
राह क्यों खोद रहे हो? अब ये नाटक खत्म करो। आप तो मर गए थे। तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए फिर से जिंदा हो गया हूँ। जल्दी बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्यों खोद रहे हो और उस काले नका वाले से तुम्हारा क्या संबंध है? मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ भी नहीं मालूम? सच सच बताओ। सच सच बताओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी बता। जी, यहाँ सोना दबा हुआ है, उसे ही निकाल रहा हूँ। किसने दबाया था, तुम्हें कैसे मालूम? जी, वही काले नकाब वाले ने बताया था कि यहाँ सोना छुपा हुआ है। और इंस्पेक्टर राजन,
मेरी नजरें दीवारों के पीछे देख सकती हैं। अगर अपनी जगह से एक इंच भी इधर उधर हिले तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। दीवार में लगी हुई बंदूकों का मुंह तुम्हारी तरफ, अब भी जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। Thank you.
मैं पुजारी नहीं, जेल से भागा हुआ एक पुराना मुजरिम। तुम्हारा नाम? मैं पूछता हूं पुजारी, क्या नाम है तुम्हारा और यहां क्या काम करते हो? बहादुर सिंह, जाली नोट छापता हूं। तो तुम हो वो बड़े सरकार जिनकी सेवा में हम लोग इतनी देर यहां रुक रहे। महाशय जी, तो ये भूत प्रेत का ड्रामा भी तुम ही रचा रहे थे। ये तुम्हारा ही चमत्कार था कि हवेली में पर्दे उड़ते रहे, परिंदों की खौफनाक आवाजें लोगों को डराती रही, और जब मन को मंगल करना हुआ तो एक खूबसूरत सी लड़की को छलावा बनाकर तेरे भिन जियाना लगे छेड़ते रहे। कमाल है, ये सब कुछ तुम कैसे कर लेते थे? इंस्पेक्टर, जिस बुद्धि और ताकत से मुझे बड़ा अभिमान था, आज वो मेरा साथ छोड़ गए। आइए मैं आपको बताता हूं। आइए। ये देखिए, यहां बैठ के मैं सारी हवेली को कंट्रोल किया करता था। इस स्विच को ऑन करने से हवेली में पर्दे हिलने लगते और इससे दरवाजे, और इस स्विच से परिंदों की भयानक आवाजें सुनाई देती थी। और वो लड़की और गाना? वो लड़की भी मैंने ही रखी थी, मेरे इशारों पर वो नाचती और गाती थी। जादूगर तो थे ही तुम, लेकिन सितमगर भी खूब निकले। इंस्पेक्टर प्रेम और तुम्हारे साथी की लाश का तुमने आज तक पता नहीं चलने दिया। मिस्टर राजन, इंसान अपने जीने की लालच में कभी कभी पाप को भी पुण्य समझने लगता है। इंस्पेक्टर प्रेम और अपने साथी को मैंने ही मारा। क्या जगदीश माली तुम्हारा साथी था? बिल्कुल नहीं, वो एक भुला सा इंसान था जिसे मैंने अपने जाल में लपेट रखा था और कह दिया था हवेली के बाहर सोना है, खोदते रहो, किसी दिन मिल जाएगा। वो मेरा राज छुपाए रहा, और जब वो मेरा राज आपसे खोलने वाला था, मैंने उसे मार डाला। लेकिन बलवंत का खून तुमने क्यों किया? मैंने बलवंत का खून नहीं किया। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोलता। बलवंत का खून मैंने नहीं किया। जब सारी बातें आपको सच सच बता दी तो ये बात क्यों छुपाता? इंस्पेक्टर, बलवंत का खून कुमार, बलवंत का खून, बलवंत का खून, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बलवंत, छोड़ दो। जिसने मेरा कत्ल किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलवंत का भूत, बलवंत का भूत, बलवंत का भूत, कुमार, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ कुमार, मुझे छोड़ के मत जाओ। जिसने मेरा कत्ल किया है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बलवंत का भूत हमसे जरूर बदला लेके छोड़ेगा। गौतम, हमें डरने की क्या जरूरत है? बलवंत राजन से बदला लेगा जिसने बलवंत का खून किया। नहीं नहीं नहीं, राजन ने बलवंत का खून नहीं किया है। नहीं, राजन ने ही उसका खून किया है। नहीं, तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं मालूम, राजन बेगुनाह है। हो नहीं सकता, राजन ही बलवंत का खूनी है। नहीं कुमार, नहीं, बलवंत का खून मैंने किया है। बलवंत का खून मैंने किया है, बलवंत का खून मैंने किया। तुम, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ कुमार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं ही बलवंत का खूनी हूँ, मैं ही बलवंत का खूनी हूँ। गौतम कुमार, मैं सच कह रहा हूँ, ये मेरी एक दर्द भरी कहानी है। जब मैं छोटा सा था, मेरे माँ बाप का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी छोटी सी बहन मीना थी जिसे मैंने दुनिया की सारी तकलीफें झेलकर बड़े प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया।
और जैसे जैसे हर भाई का अरमान होता है कि अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करे, उसी तरह मेरा भी अरमान था कि मैं अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करूं और अपने भाई होने का फर्ज पूरा करूं। लेकिन मेरा ही अरमान दिल के दिन में घुट के रह गया, दिल के दिन में घुट के रह गया। बलवंत मेरा दोस्त था, उसका आना जाना मेरे घर में था, लेकिन मैं ना जानता था कि वो मेरी बहन पर बुरी नजर रखता है। मुझे अच्छी तरह याद है, वो राखी वाला दिन था, मैं अपनी बहन के लिए कुछ लेने अपने घर से बाहर गया हुआ था, और ये बलवंत दरवाजा क्यों बंद करते आप? मैं पूछती हूँ, दरवाजा क्यों बंद किया आपने? मेरी बहन की इज्जत लूट गई, उसने जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत को बेहतर समझा। बेचारी ने आत्महत्या कर ली और मुझे इस दुनिया में तड़पता छोड़कर दूर, बहुत दूर चली गई। मेरे दिल में इंतकाम की आग हमेशा भड़कती रही कि मैं किस तरह अपनी मासूम बहन की इज्जत का पतला लूं। इस इंतकाम की आग को मैंने बड़े सब्र से पाला। आखिर वो मौका आ ही गया जब मैंने अपने इंतकाम की आग को बुझा लिया। मेरे दिल को शांति मिल गई, मुझे यकीन है कि मेरी मासूम बहन की रूह को भी शांति मिल गई होगी। कुमार, मैंने बलवंत का खून नहीं किया है, मुझे विश्वास है कि मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया है, वरना वो शैतान न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया था। बलवंत, इंस्पेक्टर, टेक द टेप रिकॉर्डर एंड अरेस्ट हिम। मेरी बहन मीना, मैं आ गया, तेरे के लिए मुझे क्षमा करना, लेकिन मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मीना, उस पापी का काम तमाम कर दिया, लेकिन मीना, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया। मीना, मैंने बलवंत के खून का इल्जाम राजन के साथ लगा दिया, अपने दोस्त के साथ लगा दिया। मीना, गौतम, मेरे दोस्त, ये क्या किया तूने? गौतम, गौतम, गौतम।